अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सैम टीवी और मैं हूं शराफत अली मून। आज मैं मौजूद हूं लाहौर के अंदर और लाहौर की सबसे मशहूर जगह पीसी होटल में मौजूद हूं। यहां पे आज एक वेलकम पार्टी हो रही है जो कि एहसास एजुकेशन सिस्टम का एक प्रोजेक्ट है एहसास कॉलेज के नाम से, जो कि मंडी उस्मानवाला में उसकी नई पहली और ब्रांच खुली है। तो उसके डायरेक्टर साहिबान और दीगर जो मुअज़्ज़िज़ीन यहाँ पे उनके चीफ गेस्ट आए हुए मेरे साथ मौजूद हैं, आज हम उनसे बात करेंगे कि उन्होंने जंगल में एक मंगल बना दिया है, एक ऐसा कॉलेज और एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम उन्होंने मुतारिफ़ करवाया है कि उस इलाके में कहा यह जा रहा है कि आज तक किसी कॉलेज ने यहाँ पर आके वेलकम पार्टी नहीं की। तो मैं उनसे बात करता हूँ। सर, मैंने आपका इवेंट देखा, सारा होस्ट भी किया, तो बड़ा अच्छा लगा और बड़ी ज़बरदस्त तैयारी थी। तो आपने जंगल में मंगल बनाया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, ये बैकवर्ड इलाका है जहाँ हम ये कॉलेज का तीन डायरेक्टर ने मिलकर कॉलेज का ये हमने सिस्टम लॉन्च किया है और इंशाल्लाह ये इलाके की बेहतरी के लिए हम ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं और इंशाल्लाह हम दुआगु हैं और मेहनत भी कर रहे हैं कि हम इस इलाके में कोई अच्छा प्राइस दे रहे हैं और नेक्स्ट इनकी ब्रांचेज भी बनाएंगे खुड़ियाँ सूर वगैरह इंशाल्लाह। और कदीर साहब हैं डायरेक्टर मेरे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कदीर साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं? तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने देखा है बड़ा मज़ा आया और जिस तरह से आपने यहाँ पे बुफे सिस्टम और पार्टी में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, टेबलोज हुए, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये आपका पहला साल था, कैसे ये सब मैनेज कर लिया? सर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ हाँ शुक्र है कि उस इलाके में रवायती काम जिस तरीके से चलता आ रहा था, लेकिन हमने तीनों ने मिलकर ये सोचा कि क्यों ना हम कुछ अलग करें। अपने बच्चों को जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या आ नहीं पाते, हम उनके लिए यहाँ पे इवेंट्स करवाएं। तो हमने सोचा हम पीसी होटल में वेलकम पार्टी दें। आपकी पहली पार्टी और पहली पीसी? हाँ जी, और नेक्स्ट इससे भी बेहतर होगा और इससे भी बेहतर हम करेंगे बच्चों के लिए। और यहाँ पे अकेली पार्टी ही नहीं, हम क्वालिटी एजुकेशन भी दे रहे हैं और बच्चों को वो रास्ता दे रहे हैं जिससे पे चल के उन्होंने कामयाब होना। ठीक है, और ये सिर्फ कॉलेज लेवल या यहाँ तक महदूद रहेगा या इसके बाद फर्दर पर? सर नहीं, हमने इसकी इंशाल्लाह ब्रांचेस भी बनानी है खुड़ियाँ कसूर जितने भी हमारे गिरदोनुमा में जहाँ पे भी एजुकेशन की ज़रूरत है। ठीक है, पूरी कोशिश है कि हम यूनिवर्सिटी भी लॉन्च करेंगे और जल्द ही उसके भी हम इनॉग्रेशन करेंगे सेरेमनी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह कहा जा रहा है इसी तरह होगा। तो यहाँ पे पंजाब बोर्ड ऑफ एजुकेशन की जानिब से एक ऑफिसर हैं जो कि यहाँ पे चीफ गेस्ट थे, वो मेरे साथ मौजूद हैं, राना सुहेल साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। अच्छा सर, आज आपने ये पार्टी पूरा प्रोग्राम देखा है, आपने यहाँ पे मौजूद, आप चीफ गेस्ट थे यहाँ पे, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है, एक पसमानदा इलाके में माशाल्लाह बहुत अच्छा कॉलेज बनाया गया है और जो तमाम टीचर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस बच्चों को करवाई है और उम्मीद है इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसा ही होगा और ये कॉलेज बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। आप समझते हैं कि जो यहाँ पे परफॉर्मेंस हुई हैं या जो बच्चों ने यहाँ पे परफॉर्म किया है और इसको मज़ीद बेहतरी या वो इलाके में जहाँ ये लोग बैठे हुए हैं उस मुनासबत से अगर देखा जाए और उसको बड़े किसी इंस्टीट्यूट के साथ कंपेरिज़न किया जाए, तो उस हवाले से आप इनकी प्रोग्रेस को किस तरह से देख रहे हैं? माशाल्लाह बड़े इदारों के नस्बत ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हुआ है और बच्चों ने बहुत जो उनसे अच्छा परफॉर्म किया है और मज़ीद इंशाल्लाह भी, पहला साल था इनका, उसके बावजूद माशाल्लाह अच्छा इन्होंने किया और आइंदा भी इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी आएगी इंशाल्लाह।